अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाओ तेरे रंग में। पकड़ो धानी, इसे पहनो। ये सब कैसे हुआ धानी? भोलेनाथ की कसम, तानी ध्रुव को सब कुछ बता देगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे चीची? अरे चुप हो जाओ, कुछ सोचने तो दो, शांत रहो थोड़ा। तानी बताओ हमें किसने किया ये सब? तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को सुन रही हो कि तुम क्या कह रही हो? हमारी मां और बुआ पे गलत इल्जाम लगा रही हो तुम। सच कह रहे ध्रुव जी, ऐसा नहीं हुआ होता तो क्यों कहते हम आपसे? आपसे हमने 30 दिन मांगे ना इस रिश्ते के लिए, तो ऐसे ऐसे से जो कि फिर थोड़ी डाल सकते हैं उस पर, आज थोड़ी अनित दे सकते हैं। धानी, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी जो गलत है सो गलत है, और गलत पे सवाल उठाने से हम बिल्कुल नहीं डरते। फिर चाहे सामने कोई भी हो, आज जो भी होगा आमने सामने होगा। अब क्या करेंगे? चीची, ध्रुव यही आ रहा है हम दोनों से फेस टू फेस बात करने। जब वो सवाल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? चीची, इस लड़के ने तो हमारे ध्रुव को हमारे खिलाफ कर दिया। चीची, अब भी ना, हमने आपसे पहले कहा था कि दोबारा कुछ भी करो तो अच्छी तरह से सोच समझ के करना, लेकिन आपने फिर से रायता फैला दिया। चीची, अरे कुछ सोचो। जी, वरना हम हमारे ध्रुव को आज खो देंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, कुछ सोचो। अरे क्या कर रही है ये, क्या कर रही है? जी, रुको। जी, आपने क्या कर दिया?
इस वक्त तो आराम कर रही है और अपने हाथ के लकवे की वजह से बहुत परेशान है। बार बार ध्रुव जी का नाम ले रही है और उनसे बात करना चाहती है। तो वो धानी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? कैसे बताएं उसे कि उसकी बहन ने उसकी जगह ले ली है? पंडिताइन, अभी जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोच के क्यों अपना जी जला रही हो? हम आए ना, कुछ ना कुछ कर लेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम इस बात में विश्वास करते हैं, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई हल जरूर होता है। और कम से कम हमने तो अपनी जिंदगी ऐसी बिताई है, हमने सामना किया है और इसका भी हम सामना करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा, जरूर निकलेगा। बस एक चीज का ख्याल रहे, सृष्टि बिटिया को धानी और ध्रुव के बारे में ना पता चले। ध्यान रखना होगा आपको सुमिंदर भाई साहब, सृष्टि बिटिया ध्रुव से फोन पे बात ना कर पाए। क्या हो बेटा? ये क्या हो गया बेटा? बिस्तर पे ले जा। मम्मी, हमें ध्रुव जी से बात करने। प्लीज हमारी बात करवाइए ना। बेटा बात करवा देंगे, पहले तू ठीक तो हो जा। फोन वहां पे, हमारी बात करवाइए ध्रुव जी से। मां, मां, मां उठिए। वाह 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 वाह, प्लीज उठिए। हमारा फोन हमारे ब्लेजर में फोन है। जीजी ध्रुव गया, बताइए आगे क्या सोचा है आपने? क्या करना है? ऐसे लेटे रहना है कि कुछ करना भी है? ये कुछ नहीं सोचा, जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। तुम चुप रहोगी जरा? चंदा, तुमने सब खरीद लिया सामान, सब्जियाँ? जी मालकिन, ले लिए। कुछ और भी चाहिए थे क्या? हाँ, तुमको हमारा एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या? मम्मी, मम्मी
जाइए ना, हम बात करना चाहते। ठीक ठीक लगाते। क्या हुआ मम्मी? उन्होंने उठाया फोन। ध्रुव जी का फोन लग नहीं रहा है। फिर से कोशिश कीजिए ना, इस पर लग जाएगा। हमारी माँ और बुआ अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। वो ध्रुव जी फोन नहीं उठा रहे, कहीं व्यस्त होंगे। अब हम बाद में फोन कर लेंगे, अभी तू आराम कर। हाँ बेटा तू आराम कर। जी डॉक्टर, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। थैंक यू। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है ध्रुव जी, हमारा यकीन मानिए। आपके आने से पहले दोनों बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई दी बाहर, वो दोनों बिना दरवाजा खोले ऊपर भाग गए। ध्रुव जी, हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई होगी। बस जानी, वहां मेरी मां और बुआ कमरे में बेहोश पड़ी, सर पे चोट लगी और तुम बोल रहे कि वो नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है चलो नहीं, जल्दी नहीं, 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 नहीं। अरे इधर आओ। मैं हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना, तो अपनी आंखों से खुद देखो। अब किसने किया ये सब? ये मुमकिन नहीं है ध्रुव जी, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो आपके आने से पहले बिल्कुल ठीक थी। हाँ उठिए, हुआ हुआ उठिए, हुआ
किसने किया ये फिर? तानी उठिए माँ, उठिए माँ। आप उठे पहले। दानी, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता तुम हम पर इतना गुस्सा क्यों हो, पर हमें माफ कर दो। हमें मारना मत। तुम कहोगे तो हम यहाँ से चले भी जाएंगे। हाँ, तुम रहना यहाँ पे घर के मालकिन बन के। हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हमें बहुत डर लगता है बेटा, हमें मारना मत। दानी, हम हाथ जुड़ के विनती करते हैं, हमें मारना मत। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बेटा हमें बचा लो, हमें बहुत डर लग रहा है बेटा। ये हमें मार डालेगी बेटा। हम आज ही चले जाएंगे। आज क्या, हम अभी चले जाएंगे बेटा। माफ कर दो हमें। जी जी रुक जाइए, हम भी आते हैं। बुआ और माँ तुम्हें देख के डर क्यों गई? क्या हुआ, क्या क्या किया क्या तुमने? हमने कुछ नहीं किया ध्रुव जी। हमने जैसे आपसे कहा था कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी इज्जत। तो फिर उनके साथ ये सब किसने किया? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस घर में। हम तो आज ये घर छोड़कर जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे किसी के कहने से भी। माँ बेटा पानी लेकर आओ ना, देखो ना बुआ कितना रो रही है। पानी लेकर आओ। अब बिना तुम्हारा काम करो। पानी लेकर आ रहे हैं। कितनी चोट लगी है। पानी पीजिए बुआ। पानी पीजिए। अब आराम से बताइए हमें कि हुआ क्या यहाँ पर। अरे क्या बताए, तुम्हारे पापा ने इस हत्यारा लड़की को हमारे छाती पर लाद दिया है, यही हुआ था बेटा। तुम्हारी माँ और हम पूजा को लेकर कितने परेशान थे, अपने कमरे में बैठ के माला जाप कर रहे थे। अरे आई और धड़ाक से दरवाजा खोल दी, हमारे सर पे सवार हो गई और कहने लगी कि खाने में मेहंदी मिलाने का इल्जाम अपने सर पे लीजिए। बेटा जो काम हमने किया ही नहीं उसका इल्जाम अपने सर पे कैसे ले ले बता। तो अपना कपड़ा फाड़ दी, साड़ी उतार के फेंक दी और कहने लगी पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम लोग हमारी इज्जत पर हाथ डाले हो। अब बता, औरत औरत का इज्जत पर हाथ डाल सकती है क्या? तुम्हारी मम्मी ने कहा कि हम ध्रुव को फोन करेंगे तो तुम्हारी मम्मी को धक्का दे दी। हाँ बेटा, और जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमारा सर ऐसा पकड़ा और उसने जोर से दीवार में ऐसे पटक दिया। हमारा सर टकराया और हम बस बेहोश होने वाले थे और हमें बेहोश होता देखकर उसने तुम्हारी बुआ पे भी हमला किया। हमारा सर भी फोड़ दिया, देखो कितना जोर से लगा है हमको। बस कीजिए। हमारे साथ इतनी घिनौनी हरकतें करने के बावजूद आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमें इस घर से बाहर करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी, आप हमने कभी नहीं सोचा था। और अब हमें झूठा साबित करने के लिए आप झूठी कहानियां बुन रही हैं। बकवास बंद करो दानी। देखता नहीं, झूठे हम नहीं है, झूठी तू है, तेरा पूरा खानदान है झूठा। तभी तो हमारे घर सृष्टि आने की वजह तू आ गई। अरे हम कड़वे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में होता है वही हमारी जबान पे होता है। तुम्हारी तरह और तुम्हारे परिवार की तरह नहीं प्रपंच रचते, समझी? घटिया खानदान के घटिया संस्कार। आप तो लग जाए थक से। अरे जब लड़की गायब हो गई थी तो सबको सच काहे नहीं बताए? हाँ, अमीर लड़का देखा नहीं कि दूसरी बहन को ब्याह के भेज दिए,
भाई धोखा का बात करती है, धोखा तो हमारे साथ हुआ, अत्याचार हुआ हमारे साथ, सर फोड़ा गया हमारा। अरे हमने क्या अपना सर ले जाके दीवार पे मार दिए? हम तुम्हारे खानदान की तरफ पागल नहीं है। बस बुआ जी, आपको जो कहना है आप हमसे कहिए, लेकिन हमारे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं, वरना हम खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे। देखा ध्रुव, अभी भी तुम्हारे सामने हमें डरा रही है। थानी प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ। हम क्यों चुप करें ध्रुव जी, हम तो सच कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं हम। ध्रुव जी जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए आप, आखिर कोई लड़की अपने साथ ऐसा क्यों करेगी? अरे तू एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है, तो तेरे जैसी लड़की तो कुछ भी कर सकती। अपनी गलतियों की इल्जाम हम पर मत थोपिए। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले हमारे कान का नहीं काट लिए, सती मैया आप ही पड़ जाओगे, हम समा जाए कहां तो लग जाए तक से। ही नौटंकी कैसे कर लेती है आप बुआ जी, भगवान से जरा सा भी डर नहीं लगता? थानी!